हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम यूपीएससी आईसी सेट के जनरल नॉलेज के मेडिसिन इस टॉपिक पर सबसे पहले क्विज लाए हैं। तो मेडिसिन इस टॉपिक के पर ये फर्स्ट क्विज है, इसके बाद भी हम क्विज लाएंगे मेडिसिन इस टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हु इज़ कंसिडर द फादर ऑफ न्यूरोलॉजी। फादर ऑफ न्यूरोलॉजी किसे कहा जाता है? पॉल इनरिच, एफ जे गाल, पिनकस या कोल, इन चारों में से किसे फादर ऑफ न्यूरोलॉजी कहा जाता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है एफ जे गॉल। एफ जे गॉल को फादर ऑफ न्यूरोलॉजी कहा जाता है। द फादर ऑफ न्यूरोलॉजी इज कंसिडर्ड एज बाय एफ जे गॉल। एफ जे गॉल इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ द किडनी मशीन। किडनी मशीन का इन्वेंटर कौन था? क्वेश्चन नंबर टू फिर से दोहराता हूँ, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ द किडनी मशीन। किडनी मशीन का इन्वेंटर कौन है? कॉल्फ, सर टूमर, रॉबर्ट कोच या इंथोवेन, इन चारों में से कौन इन्वेंटर है किडनी मशीन का? इसका सही आंसर है कॉल्फ। कॉल्फ वॉज द इन्वेंटर ऑफ किडनी मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, हु वॉज द फर्स्ट टू डायग्नोस कैंसर। नीचे देखियो में से कौन किसने सबसे पहले कैंसर को डायग्नोस किया? हु वॉज द फर्स्ट टू डायग्नोस कैंसर? हेनरी स्वान, एडवर्ड कालविन, हॉपमैन या रॉबर्ट विनबर्ग। तो इन चारों में से कौन है जिसने फर्स्ट डायग्नोस किया कैंसर को? इसका सही आंसर है रॉबर्ट विनबर्ग। रॉबर्ट विनबर्ग वॉज द फर्स्ट टू डायग्नोस कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, हु वॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड द टाइफाइड वैक्सीन। नीचे देखे में से किस पर्सन ने टाइफाइड वैक्सीन को डिस्कवर किया, यानी कि टाइफाइड इस बीमारी पर किसने वैक्सीन बनाई यानी कि डिस्कवर की? जेनर, रोनाल्ड रॉस, सर एलमॉर्थ या साल्क, इन चारों में से किसने टाइफाइड वैक्सीन की खोज की? तो इसका सही आंसर है सर एलमॉर्थ। ऑप्शन नंबर थर्ड, सर एलमॉर्थ वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द टाइफाइड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, हु वॉज द फर्स्ट टू मेक अ स्टडी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नीचे देखियो में से किसने कौन सा ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने स्टडी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम की, मेक अ स्टडी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हु वॉज द फर्स्ट टू मेक अ स्टडी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? उसके ऑप्शन है गिवन बोलोवो, कोच, थर्ड जेम्स लिन एंड फोर्थ इज बी एन सी बोथ, यानी कि कोच एंड जेम्स लिन, इन दोनों ने ही, वो दोनों ही पहले इंसान थे जिन्होंने, ये पहले दो इंसान थे जिन्होंने स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम साथ में की। तो इसका सही आंसर है गिवन बोलोवो। इन्होंने वो गिवन बोलोवो वॉज द फर्स्ट टू मेक अ स्टडी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी स्टडी गिवन बोलोवो ने सबसे पहले की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ दिस इज एन एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग। नीचे देखे में से कौन सा एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग है? सैरिडॉन, डायोनिल, लोवास्टेटिन या लिसइनोप्रिल, इन चारों में से कौन सा एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग है? तो इसके ऑप्शन अपने मैं दोहराता हूँ, सैरिडॉन, डायोनिल, लोवास्टेटिन, लिसइनोप्रिल। तो इसका सही आंसर है लोवास्टेटिन। लोवास्टेटिन इज एन एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग। लोवास्टेटिन ये एक एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग है। लोवास्टेटिन इज एन एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग। बाकी के सैरिडॉन, डायोनिल और लिसिनोप्रिल ये एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर लो ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड। मेडिकल टर्म्स में लो ग्लूकोज लेवल जब ब्लड में होती है तो उसे क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया, बुलिमिया, डिसल्पिडेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, या पे हाइपरग्लाइसीमिया, बुलिमिया, डिसल्पिडेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। तो चार ऑप्शन में फिर से दोहराता हूँ, हाइपरग्लाइसीमिया, बुलिमिया, डिसल्पिडेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, इन चारों में से कौन सा वर्ड मेडिकल टर्म में यूज किया जाता है फॉर द लो ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड। जब ब्लड में लो ग्लूकोज लेवल्स पहुंच जाते हैं तो उसे किस टर्म में, मेडिकल टर्म में बोला जाता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, हाइपोग्लाइसीमिया। व्हेन द ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड आर वेरी लो द दिस कंडीशंस हैव नेम हाइपोग्लाइसीमिया इन मेडिकल टर्म, हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस बॉडीली ऑर्गन्स कैन बी अफेक्टेड बाय डायबिटीज। नीचे देखे में से कौन से ऑर्गन्स है बॉडी के वो अफेक्ट हो सकते हैं डायबिटीज की वजह से। ऑप्शन नंबर 1 हार्ट, ऑप्शन नंबर 2 आईज, ऑप्शन नंबर 3 नर्व्स एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस बॉडी ऑर्गन्स आर कैन बी अफेक्टेड बाय द डायबिटीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस यानी कि हार्ट आईज नर्व्स ऑल दिस थ्री बॉडी ऑर्गन्स कैन बी अफेक्टेड बाय द डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गैस्ट्रोचिसिस इज ए कंडीशन वेयर दिस ऑर्गन इज फाउंड आउटसाइड द बॉडी कैविटी विच इज द ऑर्गन। गैस्ट्रोचिसिस एक कंडीशन है जहाँ पे ऑर्गन इज फाउंड आउटसाइड द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के बाहर ऑर्गन पाया जाता है। विच इज द ऑर्गन, ये कौन सा ऑर्गन बॉडी के बाहर पाया जाता है, बॉवेल्स, किडनी, हार्ट या लंग, इन चारों में से कौन सा वो ऑर्गन है जो बॉडी के बाहर पाया जाता है, बॉडी कैविटी के बाहर, जिसे गैस्ट्रोचिसिस ये कंडीशन कहा जाता है। तो वो ऑर्गन है ऑप्शन नंबर 2 किडनी। गैस्ट्रोचिसिस इज ए कंडीशन वेयर किडनी ऑर्गन, किडनी इज द ऑर्गन वेयर इट इज फाउंड आउटसाइड द बॉडी कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस रॉयल्स डाइड ऑफ द डिसीज फिस्टुला इन विच देर इज एन एबनॉर्मल चैलेंज इन टू द स्किन ऑफ अनदर ऑर्गन। विच ऑफ दिस रॉयल्स डाइड, नीचे दिए में से कौन सा राजा मारा गया ऑफ द डिसीज फिस्टुला, फिस्टुला इस डिसीज की वजह से, इन विच देर इज एन एबनॉर्मल चैनल इन टू द स्किन ऑफ अनदर ऑर्गन, जो एबनॉर्मल चैनल तैयार होता है इन टू द स्किन ऑफ अनदर ऑर्गन, अनदर ऑर्गन में, स्किन ऑफ अनदर ऑर्गन, किसी अनदर ऑर्गन के स्किन में एबनॉर्मल चैनल तैयार होता है। नीचे दिए में से कौन सा राजा इस बीमारी से मरा, फिस्टुला, जिसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, हेनरी 8th, लुइस 4th, हेनरी 5th या रिचर्ड 1। तो इसका सही आंसर है हेनरी 5th। हेनरी 5th इज द रॉयल्स हु डाइड ऑफ द डिसीज फिस्टुला बाय द फिस्टुला इन विच देर इज एन एबनॉर्मल चैनल इन टू द स्किन ऑफ अनदर ऑर्गन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दिस इज ए ड्रग प्रिस्क्राइब टू ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। नीचे दिए में से कौन सा ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स के लिए, यूरियोमाइसिन, टेरामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, इन चारों में से कौन सा ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स के लिए। तो इसका सही आंसर है ट्रिप्टोमाइसिन। ट्रिप्टोमाइसिन इज ए ड्रग प्रिस्क्राइब टू द ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द एंशियंट ग्रीक्स मोस्ट फेमस फिजिशियन। एंशियंट ग्रीक में सबसे फेमस फिजिशियन कौन थे, उसके ऑप्शन है सुश्रुता, सेकंड ऑप्शन आर्किमिडीज, थर्ड हिप्पोक्रेटस एंड फोर्थ एस्क्लेपियस। सबसे पहला ऑप्शन सुश्रुता, सेकंड आर्किमिडीज, थर्ड हिप्पोक्रेटस, फोर्थ एस्क्लेपियस। तो इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हिप्पोक्रेटस वॉज एंशियंट ग्रीक्स मोस्ट फेमस फिजिशियन, वो मोस्ट फेमस फिजिशियन थे, सबसे अच्छे डॉक्टर थे ग्रीक में, नेक्स्ट एंशियंट ग्रीक में एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द ग्रीक गॉड ऑफ मेडिसिन। नीचे दिए में से कौन सा ग्रीक गॉड था मेडिसिन का, यानी दवाइयों का देवता था ग्रीक में, अपोलो, एस्क्लेपियस, पैनेसिया या चिरॉन, तो इनमें से कौन सा था, जिसका सही आंसर है एस्क्लेपियस। एस्क्लेपियस वॉज द ग्रीक गॉड ऑफ मेडिसिन, वो ग्रीक गॉड थे मेडिसिन के, दवाई के देवता थे एस्क्लेपियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नोन फिजिशियन वॉज एन इजिप्शियन। नीचे देखे में से कौन सा दुनिया का पहला फिजिशियन था और वो इजिप्शियन था, और इनमें से कौन सा, नेफरटिटी, इम्होटेप, गैलेन या चराका, नेफरटिटी, इम्होटेप, गैलेन या चराका, इन चारों में से कौन थे वो, तो वो थे इम्होटेप। इम्होटेप वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट नोन फिजिशियन वॉज एन इजिप्शियन। इम्होटेप
वो वर्ल्ड के पहले फिजिशियन, उसे उनका दर्जा दिया जाता है, और वो पहले फिजिशियन थे और वो इजिप्शियन भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नोवेयर इन द एंशिएंट वर्ल्ड वॉज सर्जरी एज सोफिस्टिकेटेड एज इन नाउवेयर इन द एंशिएंट वर्ल्ड नाउवेयर इन द नोवेयर इन द एंशिएंट वर्ल्ड वॉज सर्जरी एज सोफिस्टिकेटेड एज इन जितना अच्छा सर्जरी था एंशिएंट वर्ल्ड में, जो बाकी के वर्ल्ड में नहीं था, वो वॉज सर्जरी एज सोफिस्टिकेटेड एज इन किस में, बाकी के अलावा किस में सबसे अच्छी सोफिस्टिकेटेड यानी अच्छी तरीके से सर्जरी होती थी, इजिप्ट, ग्रीस, चाइना या इंडिया? इजिप्ट, ग्रीस, चाइना या इंडिया? इसका सही आंसर है इंडिया में। नोवेयर इन द एंशिएंट वर्ल्ड वॉज सर्जरी एज सोफिस्टिकेटेड एज इन इंडिया। एंशिएंट वर्ल्ड में इंडिया के पास जिस अच्छी तरीके से सर्जरी करने की सुविधा थी या नॉलेज थी, उतनी कहीं पे भी नहीं थी एंशिएंट वर्ल्ड में, ना इजिप्ट में, ना ही ग्रीस में, ना ही चाइना में। इंडियन बहुत ही आगे थे सर्जरी और मेडिकल उनकी उपलब्धियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदा बिगैन अबाउट हाउ मेनी ईयर्स अगो। जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है यानी कि दवाइयों की जो इंडियन सिस्टम है, आयुर्वेदा जिसे हम कहते हैं, बिगेन अबाउट हाउ मेनी ईयर्स अगो, कितने साल पहले ये शुरू हुआ? 2000 साल पहले, 2400 साल पहले, 3000 साल पहले या 4000 साल पहले? तो इसका सही आंसर है 2400 साल पहले। द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदा बिगेन अबाउट 2400 ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वॉट इज द चाइनीज मेडिकल सिस्टम इन विच नीडल्स आर इंसर्टेड थ्रू द स्किन। नीचे दिए गए में से कौन सी एक चाइनीज मेडिकल सिस्टम है जिसमें जो नीडल्स होती हैं, सुइया होती हैं, सुइया वो स्किन के थ्रू इंसर्ट की जाती हैं, यानी कि स्किन के ऊपर इंसर्ट की जाती हैं? रिफ्लेक्सोग्लासी, शैमनिज्म, आकुपंचर या यूनानी, इन चारों में से कौन सी वो चाइनीज मेडिकल सिस्टम है जिसमें नीडल्स ये स्किन के ऊपर इंसर्ट किए जाते हैं? मैं ऑप्शन फिर से दोहराता हूँ, रिफ्लेक्सोलॉजी, शैमनिज्म, एक्यूपंचर या यूनानी। तो इसका सही आंसर है एक्यूपंचर, एक्यूपंचर भी कहा जाता है इसे, नॉर्मल बोलते हैं इसे। एक्यूपंचर इज द चाइनीज मेडिकल सिस्टम इन विच नीडल्स आर इंसर्टेड थ्रू द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन आइडेंटिफाइज हाउ मेनी चक्रास एज सेंटर्स फॉर फोकसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द बॉडीज स्पिरिचुअल पावर। इंडियनों ने आइडेंटिफाई किया कितने कितने चक्रास आइडेंटिफाई किए एज सेंटर्स फॉर फोकसिंग, जो कि सेंटर है फोकसिंग के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द बॉडी स्पिरिचुअल पावर, और बॉडी की स्पिरिचुअल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 4 थे वो चक्रा, 6 थे, 8 थे या 7 थे? तो उसका सही आंसर है 7। इंडियन आइडेंटिफाइज 7 चक्रास यस एज सेंटर्स फॉर फोकसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द बॉडी स्पिरिचुअल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दिस इज कॉल्ड द किंग ऑफ टॉनिक्स इन चाइनीज मेडिसिन। नीचे देखे में से किसे किंग्स ऑफ टॉनिक्स इन चाइनीज मेडिसिन, मतलब टॉनिक्स का किंग कहा जाता है चाइनीज मेडिसिन में? उसके ऑप्शन है गिंगसेंग, सेकंड ग्रीन टी, थर्ड कोका या फोर्थ यूकैलिप्टस डिकोक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गिनसेंग। गिनसेंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ टॉनिक्स, उसे किंग ऑफ टॉनिक्स कहा जाता है के चाइनीज मेडिसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु बिगैन द साइंस ऑफ साइकोलॉजी और हाउ द बॉडी वर्क्स ऑल्सो बिलीव दैट टू मच ब्लड कॉज्ड डिसीज। नीचे हु बिगैन द साइंस ऑफ फिजियोलॉजी और हाउ द बॉडी वर्क्स, किसने साइंस ऑफ फिजियोलॉजी और द बॉडी वर्क्स को यहाँ पे शुरुआत की? ऑल्सो बिलीव दैट टू मच ब्लड कॉजेज डिसीज, और ऐसे भी कहा जाता है और बिलीव है कि अगर ज़्यादा ब्लड हो तो भी डिसीज हो सकता है। उसके ऑप्शन है गैलेन, इम्होटेप, इरेस्टिस ट्रेसस, लिस्ट्रीट्रेटस। तो ऑप्शन में फिर से दोहराता हूँ, गैलेन, इम्होटेप, इरेस्टिस्ट्रेटस या लिस्ट्रीट्रेटस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इरेस्टिस्ट्रेटस was the first who began the science of physiology or how the body works and also believed that too much blood caused diseases, Erastratus. तो इसी तरह से जनरल नॉलेज के मेडिसिन इस टॉपिक के ऊपर फर्स्ट क्विज हमने कंप्लीट कर लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए
और हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह से आप कंसिस्टेंट रहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए स्टडी के ऊपर, डिसिप्लिन में रहिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।